राजा रानी चले फिल्मी राह पर किसी मंदिर के प्रांगण में वो निभा रहे हैं खास रस्म जिसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस रस्म। जी हाँ, फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में जब से शाहरुख खान ने दीपिका को उठाकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी तब से ये रस्म इसी नाम से जानी जाती है और कई बार कई सीरियलों में भी देखी गई है। शाहरुख ने तो दीपिका को आसानी से उठा लिया था, मगर राजा रानी को उठाने के लिए किसी का सहारा ले रहा है। क्या रानी इतनी भारी है? अगर इतनी मोटी लगी तो उतार दो ना। वो एक्चुअली एक रस्म होती है जहाँ लड़का लड़की को उठा के मंदिर तक जाता है नंगे पाँव। तो जस्ट बिकॉज हम प्रीति और विक्रमजीत पे नजर रख सके, मैं राजा को बोलती तू भी मुझे उठा भाई और चलते हैं। रानी भारी हो ना हो, मगर सीन बहुत भारी है। रस्मों में भी छोटी छोटी रस्में शामिल हैं, जैसे कि कहानी के विलन द्वारा कांच की बोतल को फेंकना, फिर राजा का उसी कांच पर पैर गिरना, फिर कांच पर खून की बूंदों को दिखाना, फिर खून वाले पैरों के निशान बनाना, तो बिल्कुल वैसे जैसे गृह प्रवेश के वक्त दुल्हन कुमकुम वाले पैरों के निशान बनाती है। और फिर उन्हीं पैरों के निशान पर थोड़ा ज्यादा खून डालकर बहा हुआ दिखाना, ये सब इसी रस्म का एक हिस्सा है। भाई ऐसा होगा तभी तो रानी का दिल पसीजेगा और राजा के पैर धोने के लिए वो मजबूर हो जाएगी। उसके पैर में कांच वांच चुभ जाता है, काफी पेन में होता है, बट वो बताता नहीं है। वो अपना जो टास्क है वो इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता। लास्ट में मुझे पता चलता है। पैर धोने के बाद रानी आंसू बहाने के लिए भी मजबूर हो गई, वो भी राजा से छिपाकर। रानी भले ही आंसू बहा रही हो मगर राजा बहुत खुश है। फिल्मी रस्म निभाने के बाद हीरोइन उसके लिए आंसू जो बहा रही है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।